फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन द SVK इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड, आज सभी का SVK इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको अलंकार में यमक अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, यमक अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज फ्रेंड प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड, आज मैं आपको यमक अलंकार पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड, बता रही हूँ, जैसे कि जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, तो फ्रेंड कोई शब्द हो एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, तो फ्रेंड कौन सा अलंकार होता है? हमारा यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो फ्रेंड एक सजना माने क्या होता है? यहाँ सजना है मुझे सजना, सजना माने एक होता है फ्रेंड यहाँ पर तैयार। सजना है मुझे सजना के लिए, तो फ्रेंड दूसरा सजना माने क्या होता है? जैसे फ्रेंड हम यहाँ पर पति भी कह सकते हैं, प्रेमी भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर दो शब्द आए और समान आए, तो फ्रेंड दोनों शब्दों का अलग अलग क्या है? एकदम अलग अलग है। तो फ्रेंड हमारा कौन सा अलंकार होगा? ये यमक अलंकार होगा। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बता रही हूं, जिस तरीके से फ्रेंड आप देख सकते हो, वे तीन बेर खाती थी। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, वे तीन बेर, बेर का मींस होता है या फल, और फ्रेंड एक बेर का मींस होता है बार। तो तीन बेर खाती थी, वो तीन फल खाती थी और फ्रेंड तीन बार में खाती थी। तो फ्रेंड आपने देख लिया, मैंने आपको अंडरस्टैंड किया कि एक बेर का मींस क्या है यहाँ पर और एक बेर का मींस क्या है फ्रेंड यहाँ पर। तो फ्रेंड ये हमारा कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूं, जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो, लाल चेहरा नहीं फिर लाल किसके। तो फ्रेंड एक लाल यहां रंग के लिए आया है, रंग, और एक लाल आया बेटा के लिए। लाल चेहरा नहीं और फिर लाल किसके। तो फ्रेंड एक लाल आया है यहाँ रंग के लिए और फ्रेंड एक लाल आया है बेटा के लिए। तो फ्रेंड आपको मैं और भी एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे फ्रेंड आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। जैसे फ्रेंड ये आपके लिए एग्जांपल है, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, तो फ्रेंड एक घटा माने होता बादल, और फ्रेंड बादल का क्या घटा? घमंड। तो फ्रेंड एक घटा माने होता कम होना। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जिस तरीके से फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, माला माला फेरत जुग भयार गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोहा है। तो फ्रेंड आपको ये चीज से याद हो जाना चाहिए, और फ्रेंड क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यमक अलंकार है, फ्रेंड आता ही है यमक अलंकार अक्सर कर। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, माला फेरत जुग भयार गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे और मन का फेर। तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक मन का माने होता है यहाँ, मैं आपको फ्रेंड दिखा रही हूँ पहले, फ्रेंड एक मन का माने होता है मस्तिष्क, और फ्रेंड एक मन का माने होता है मोती। तो फ्रेंड मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, बलिहारी गुरु आपने ओधाड़ी के बार, जिन माने सते देवता करत न लागी बार, कबीरा
करे दिन लागी बार। तो फ्रेंड मेरा कहने का मीन्स ये है आपसे, केवल आपको हिंदी को कैसे तैयार करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसको फ्रेंड एक सॉन्ग की तरह गाना है। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हो तो आपको बहुत जल्दी उसको देख करके क्या हो जाती है, उसको याद हो जाती है, कभी उसे भूलते नहीं हो उसमें ये हुआ उसमें ये हुआ। तो फ्रेंड आपको भी इसी तरीके से ये सारे दोहे याद करने हैं, सारे अलंकार फ्रेंड आपको इसी तरीके से याद करने हैं फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको एक गा के बता रही हूँ। फ्रेंड मैं आपको यमक अलंकार का एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बलिहारी गुरु आपने ओधाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार, कबीरा करे तिन लागी बार। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से हिंदी लर्न करनी है तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा है, जो फ्रेंड आपने सभी ने देखा होगा वो एग्जाम्पल और फ्रेंड सुना भी होगा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, बाखाए बैराए जग या पाए बेराए, कबीरा या पाए बेराए। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कनक कनक, क्या बता रही थी फ्रेंड, कनक कनक ते सोगुनी, कनक 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 ते, कनक कनक ते सोगुनी। तो फ्रेंड आपके समझ में आ गया एक कनक माने क्या होता है और एक कनक माने क्या होता है। तो फ्रेंड एक कनक माने होता है धतूरा और फ्रेंड एक कनक माने होता है सोना, हीरा मोती, हीरा मोती, एक कनक माने होता है धतूरा, धतूरा। फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ तो फ्रेंड आपके समझ अच्छी तरीके से आ रहा होगा धतूरा। धतूरा ता है फ्रेंड ये। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ फ्रेंड आपके समझ अच्छी तरीके आ गया होगा। फ्रेंड यदि किसी स्टूडेंट समझ नहीं आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो क्लास में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।